मान लीजिए कि अगर आप स्पेस में लाइट की रफ्तार के आसपास चलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको हकीकत का पता चलना बंद हो जाएगा। तेज रफ्तार से चलने पर कुछ नियमों को मानना जरूरी हो जाता है। आइंस्टाइन ने इन नियमों को प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहा था। मगर लाइट के आगे जाना संभव नहीं है, कुदरत का कानून है, लाइट की रफ्तार से आगे जाना नामुमकिन है। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी पदार्थ लाइट के बराबर या उससे ज्यादा तेज नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अपनी मोटरसाइकिल पे बैठ के स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। जिस चीज से लाइट निकल रही है उसकी रफ्तार से लाइट की रफ्तार पर असर नहीं पड़ता। चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में, उसकी अपनी रफ्तार से लाइट की रफ्तार नहीं बढ़ती। मोटरसाइकिल से निकली रोशनी भी लाइट की रफ्तार से ही चलेगी। फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको लाइट के बराबर रफ्तार हासिल करने से रोके। लाइट की रफ्तार का 99.9% तो हासिल हो सकता है, मगर चाहे आप कितनी भी कोशिश करें कभी लाइट की रफ्तार के आगे नहीं जा सकते। और कुदरत के नियमों की यही तो खूबी है, उनको तोड़ना नामुमकिन है। लाइट की रफ्तार के आसपास सफर करना एक तरह से अमर हो जाने जैसा है, क्योंकि तब आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक उन लोगों की तुलना में धीमी हो जाती है जिन्हें आप पीछे छोड़ आए हैं। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए ब्रह्मांड के सारे रहस्यमय फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए।